गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हम लोग पर्यटोत्तर दर्पण नवंबर महीना 2023 का राष्ट्रीय परिदृश्य का एमसीक्यू देखने वाले हैं। यानी हम लोग अभी तक जितने भी राष्ट्रीय परिदृश्य का, राष्ट्रीय घटनाक्रम का डिटेलिंग किया है, डिटेलिंग समझा है, उसका एमसीक्यू भी हम लोग जान लेते हैं, है ना। एमसीक्यू जानने से एक फ़ायदा होगा क्या कि पूरा फैक्ट हम लोग का दिमाग में रहेगा। नहीं तो कॉन्सेप्ट पता तो है ही है, एक्सप्लेनेशन क्लास में या डिटेलिंग क्लास में पूरा हम लोग राष्ट्रीय का कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, बात को डिटेल में जान चुके हैं, लेकिन कुछ फैक्ट याद रखना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में अगर आपको याद है तो फटाक सा फैक्ट को क्या कीजिएगा, टिकल कर लीजिएगा। तो फैक्ट को एक अलग से हम लोग सीरीज बना रहे हैं, जिसको है एमसीक्यू सीरीज नाम दिए गए हैं। तो ये राष्ट्रीय घटनाक्रम का एमसीक्यू सीरीज है, उससे महत्वपूर्ण घटनाओं को यहाँ पर संग्रहित किया गया, ठीक है। तो चालू करते हैं हम लोग। तो पहला क्या है, देखिए, C-295 परिवहन विमान के लिए भारत का किसके साथ समझौता हुआ, किस देश के साथ समझौता हुआ? C-295 परिवहन विमान, देखिए बात को समझिए, C-295 परिवहन विमान, ये जो हम लोग डिटेलिंग क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि C-295 परिवहन विमान होता क्या है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझ जाते हैं हम लोग। ये एक बड़ा विमान होता है, एक बहुत बड़ा विमान होता है सी, ये बहुत बड़ा विमान होता है ना। इस बड़ा विमान में क्या होता है क्या कि मान लीजिए चक्का लगा हुआ है, इसमें टैंक, गोला बारूद, रॉकेट, सेना का टुकड़ी, है ना, एयरक्राफ्ट, बहुत कुछ इसमें लोड किया जा सकता है। हाँ, लोड करके क्या करेगा, जहाँ पर युद्ध क्षेत्र है वहाँ पर ये सब जाकर उतार देगा उसको। कभी कभी होता है कि हवाई पट्टी नहीं मिलता है तो पैराशूटर का जो ट्रूप होता है ना, पैराशूटर का जो ग्रुप होता है उसको जाकर युद्ध क्षेत्र पर जाकर ड्रॉप कर देता है। यही इसका काम है, परिवहन का काम करता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है। तो किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट करता है, तो रक्षा सामग्री का, सेनाओं के लिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत का अगर देख लीजिए, पहाड़ी एरिया देख लीजिए, लद्दाख से लेकर सिक्किम देखिए, अरुणाचल प्रदेश देखिए, तो क्या है, वो सब पहाड़ी एरिया है। वहाँ पर सेना को अगर कुछ ज़रूरत होगा तो अगर सड़क मार्ग से जाएगा बहुत मुश्किल होगा। अब टैंक को तो अब सड़क मार्ग से ही ले जाना पड़ेगा, लेकिन इस विमान के द्वारा या C-295 के द्वारा टैंक को भी लोड किया जा सकता है और उस जगह पर टैंक को क्या करेगा, तुरंत पहुंचा देगा। इसका नाम ही दिया गया है बाहुबली। इसका नाम दिया गया क्या, बाहुबली, लेकिन इसका नाम ऐसे है क्या है, C-295 परिवहन विमान है। ये किसके साथ समझौता हुआ, स्पेन के साथ समझौता हुआ है ना, याद रखिएगा। और बाकी डिटेलिंग वाला वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाएगा। C-295 परिवहन विमान भारत में कौन बनाएगा इसको, तो देखिए स्पेन के साथ तो समझौता हुआ, लेकिन जब भारत में भी इसका 40 तो स्पेन देगा, 40 बनेगा भारत में, टोटल 56 के साथ समझौता, 56 C-295 परिवहन विभाग का समझौता हुआ है ना, कि 56 परिवहन विमान बनेगा, उसमें से 16 ऑलरेडी स्पेन बना चुका है, बाकी 40 बनाना है, 40 बनेगा भारत में। भारत में कौन बनाएगा, तो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड बनाएगा, है ना, टाटा कंपनी का टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड शेष 40 बनाएगा। यानी टोटल कितना था, टोटल था 56, 56 में से 16 बन चुका है ना, स्पेन बना चुका है, बाकी बचा 40 कौन बनाएगा, तो वही TASL बनाएगा, ठीक है, क्लियर। चलिए बता देते इसको, आगे देखते हैं। पहला परिवहन विमान C-295 कहाँ लाया गया है, हाँ, तो जैसा कि बताए थे कि स्पेन के साथ समझौता हुआ है C-295 परिवहन विमान बनाने का, तो स्पेन बोला था कि 16 तो ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है ना, तो एक उसमें से इंडिया को भेज दिया है। तो इंडिया उस परिवहन विमान को हिंडन एयरबेस, जो कि गाजियाबाद के पास है, हिंडन एयरबेस में रखा है, ठीक है, हिंडन एयरबेस में। हो सकता है पूछ लीजिए, पहला विमान जो C-295 कहाँ लाया गया है, इसको रखा गया हिंडन एयरबेस में, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, LCA Mark 1A किस कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है, LCA Mark 1 किस कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है, तो ये हाल कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है। हाल का मतलब क्या हुआ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, है ना। LCA का मतलब हम लोग आपको समझा चुके डिटेलिंग वाला वीडियो में।
एक वीडियो बनाया इसका डिटेलिंग वाला में, उसमें एलसीए का मतलब समझा चुके क्या होता है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। तो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट क्या होता है, जिसका औपचारिक नाम क्या है, तेजस। तेजस का नाम आप सुने हैं ना, हल्का लड़ाकू विमान, हल्का लड़ाकू विमान तेजस, उसी को कहते हैं लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एलसीए, ठीक है ना। वो कौन बना रहा है, हाल बना रहा है, आईसी का नाम क्या है, तेजस, इसका औपचारिक नाम क्या है, तेजस, क्लियर। समुद्रयान का नाम क्या है, देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं कि भारत अंतरिक्ष में तो अपना अनुसंधान कार्य कर ही रहा है, अब समुद्र की गहराइयों में भी अपना अनुसंधान कार्य करना चाहता है। अभी हाल ही में हम लोगों ने क्या देखा, तो चंद्रयान 3 और आदित्य 11, आगे भी इसके पहले भी भारत का इसरो कर चुका है, आपका मास मिशन कर चुका है, तो अंतरिक्ष में तो काम कर ही रहा है, अनुसंधान काम कर ही रहा है, आप समुद्र के गहराइयों में भी जाना चाहता है, वहाँ का जैव विविधता को समझना चाहता है, समुद्र के नीचे जो आपका निकिल और कोबाल्ट है जैसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो खनिज पदार्थ है उसको प्राप्त करना चाहता है, जो पेट्रोलियम पदार्थ है उसको प्राप्त करना चाहता है, इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए समुद्र में जाकर अनुसंधान काम करना होगा, अनुसंधान करना होगा, इसके लिए भारत एक कदम आगे बढ़ा चुका है। भारत का मिशन है ब्लू इकोनॉमिक, तो आपको पता ही होगा ब्लू इकोनॉमी, जिसके द्वारा भारत चाहता है कि समुद्र का जो फायदा इकोनॉमिकली फ़ायदा उठाया जा सके, आर्थिक रूप से उसका फायदा उठाया जा सके, इसके लिए ब्लू इकोनॉमी चालू किया है। उस ब्लू इकोनॉमी का ही ये पार्ट है, क्या है कि समुद्रयान को भारत समुद्र की गहराई में भेज रहा है, उसका नाम क्या होगा, मत्स्य 6000 क्या है, तो 6000 तक, 6000 मीटर की गहराई तक जाएगा, 6000 मीटर की गहराई तक जाएगा, इसलिए 6000 रखा है, और समुद्रयान का नाम रखा है मत्स्य 6000। मत्स्य मतलब मछली, तो आप जानते ही हैं, तो ये आपका समुद्रयान है। दूसरा क्या है देखते हैं हम लोग आगे। यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत की सूची में शांति निकेतन एवं होयसल मंदिर समूह, तो यूनेस्को भी हाल ही में भारत के 2 महत्वपूर्ण स्थलों को यूनेस्को के विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है, उसमें कौन है, एक आपका शांति निकेतन और दूसरा क्या है, होयसल मंदिर समूह। शांति निकेतन के बारे में आपको पता है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर का जो विश्वविद्यालय है ना, क्या नाम उसका, विश्व भारती विश्वविद्यालय, उसके कारण ये फेमस है शांति निकेतन। और होयसल मंदिर समूह तो आपको पता ही है, होयसल वंश का राजा हुआ करते थे साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में, दसवीं से आपका 14वीं ईस्वी तक है ना रहा करते थे। तो वहाँ पर 3 मंदिर बनाया गया था, एक बनाया गया था हेलीबीट का मंदिर, दूसरा बनाया गया था बेलूर का मंदिर, तीसरा बनाया गया था सोमनाथपुर का मंदिर, है ना। तो इन तीनों का एक समूह है, तीनों मंदिरों का एक समूह है, जिसको होयसल मंदिर समूह कहते हैं। तो इसको, एक शांति निकेतन को और एक होयसल मंदिर समूह, दोनों को क्या किया है, यूनेस्को ने विश्व विरासत का दर्जा दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन में भारत के शामिल विश्वविद्यालय की संख्या 91 है। देखिए टाइम्स हायर एजुकेशन ने एक रैंकिंग किया, विश्व स्तर पर एक रैंकिंग किया कि विश्व में जितने भी विश्वविद्यालय हैं, है ना, अच्छे अच्छे विश्वविद्यालय हैं अलग अलग देशों का, उसका एक रैंकिंग किया जाए। उसमें से 108 देशों का विश्वविद्यालय को सारणीबद्ध किया गया, उसमें से भारत का 91 विश्वविद्यालय को, 91 विश्वविद्यालय को शामिल किया गया बेहतरीन विश्वविद्यालयों में, ठीक है ना। तो अगर 91 विश्वविद्यालय में देखा जाए तो भारत में सबसे अच्छा विश्वविद्यालय कौन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये कहाँ है, बेंगलुरु में। लेकिन अगर टॉप 10 का देखा जाए, टॉप 10 में, तो टॉप 10 में 7 विश्वविद्यालय अमेरिका का है और 3 विश्वविद्यालय, 7 के बाद 8, 9, 10, 3 विश्वविद्यालय ब्रिटेन का है। इस तरह से दोस्तों आज हम लोगों ने MCQ देख लिया है, अब हम लोग अगला वीडियो में अगला टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।